हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथी फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं एक डिजीज बेलेनाइटिस के बारे में। तो देखते हैं कि इसमें क्या सिम्टम होते हैं, इसके काज क्या होते हैं और इसमें ट्रीटमेंट क्या करें होम्योपैथी में, और इसमें क्या प्रिवेंशन करें, कैसे बचाव करें कि ये बीमारी ना होने पाए। तो आइए शुरू करते हैं। तो बेलेनाइटिस क्या होता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ द पेनिस, स्पेशली हेड पार्ट का, यानी पेनिस का जो हेड पार्ट होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो ये वेलेनाइटिस कहलाता है। ये मोस्टली जो है अनसर्कमसाइज्ड मेन में होता है, यानी जिन लोगों में खतरा नहीं होता है उन लोगों में ये बीमारी आम देखने को मिलती है, और जिन लोगों में खतरा होता है उन लोगों में ये बीमारी नहीं होती है, अक्सर ये अमूमन देखा गया है। तो अब आइए देखते हैं कॉज के बारे में। कॉज के बारे में अगर देखें कि वहाँ की स्किन में कोई डिसऑर्डर है, कोई दिक्कत है, तो ऐसे लोगों में हो जाती है, और जिन लोगों में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम रहती है, पुअर हाइजीन रहता है, साफ सफाई अच्छे से नहीं करते हैं, उन लोगों में ये हो जाती है। और ऐसे पर्सन में जिसमें डायबिटीज अनकंट्रोल होता है, कंट्रोल नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा शुगर लेवल जाता रहता है, तो ऐसे लोगों में जो है ये होता है बेलेनाइटिस। और एक कॉज और होता है कि जो आदमी जो है हार्श सोप यूज करते हैं, कठोर साबुन यूज करते हैं, उन लोगों में ये देखा गया है बेलेनाइटिस की प्रॉब्लम। तो बेलेनाइटिस की प्रॉब्लम जो है सीरियस नहीं होती है, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन नहीं होती है, और ये कॉन्टेजियस नहीं होती है, यानी एक दूसरे से ये फैलती भी नहीं है। तो ये तीन चीज नहीं होती है, ना तो ये सीरियस प्रॉब्लम होती है, ना कॉन्टेजियस प्रॉब्लम होती है, ना ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होती है। अब आइए देखते हैं वेलेनाइटिस के क्या सिम्टम होते हैं। तो इसमें जो है पेन एंड इरिटेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेनिस, यानी पेनिस का जो आगे का हिस्सा होता है, हेड कहते हैं या टॉप ऑफ पेनिस कह सकते हो, तो उसमें जो है पेन होता है, इरिटेशन होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। अब इन्फ्लामेशन के मतलब मोस्टली चार पॉइंट होते हैं, रेडनेस, हीटनेस, पेन एंड स्वेलिंग। तो ये चार पॉइंट में कम कोई भी दो तीन पॉइंट मिल सकते हैं, तो वहां पे फिर हम इन्फ्लामेशन कह सकते हैं। और डिस्कलरेशन हो जाता है, पेनिस का डिस्कलरेशन हो जाता है, या जो है पैचेस पाए जाते हैं, डिस्कलर्ड पैचेस पाए जाते हैं पेनिस पे, और इचिंग अंडर फोर स्किन, यानी जो फोर स्किन वाला पार्ट होता है उसके अंदर इचिंग होती है, और व्हाइट डिस्चार्ज होता है, वहां से व्हाइट डिस्चार्ज हल्का हल्का से होता रहता है। और स्मेल भी जो है एक सिम्टम होता है कि स्मेल फाउल होती है, स्मेल अच्छी नहीं होती है। और एक पॉइंट और होता है कि पेन व्हाइल यूरिनेटिंग, यानी जब वो यूरिन करते हैं, पेशाब करते हैं, तो उसमें पेन होता है, यानी पेन के पेनिस के हेड पार्ट में फोर स्किन वाले हिस्से पे पेन होता है। तो ये खास सिम्टम होते हैं। इसमें डायग्नोसिस के लिए देखें तो डायग्नोसिस में जो है यूरिन टेस्ट करा लिया जाता है, ब्लड टेस्ट करा लिया जाता है डायबिटीज के लिए, कि अगर डायबिटीज यानी शुगर लेवल बहुत ज्यादा है तो उसको कंट्रोल किया जाए, और जरूरत पड़ने पर बायोप्सी टेस्ट कराते हैं। अब इसमें देखते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी बेस्ट है जो अच्छा काम करती है। तो इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन में देखें तो थूजा ऑक्सीडेंटलिस एक मेडिसिन होती है, ये 1 ml में हफ्ते हफ्ते में लिया जाए, और कम से कम 4 डोज लिया जाए, यानी एक हफ्ते तक, एक महीने तक इसको एक हफ्ते वाइज लिया जाए। और सिम्टम वाइज इसमें तो बहुत सी मेडिसिन कवर कर लेती है, जैसे एक एपिस मेलिफिका मेडिसिन है, ये एपिस मेलिफिका भी 200 पावर में सुबह शाम कम से कम थोड़ा दिन लिया जाए, और हीपर सल्फ यानी अगर सेंसिटिविटी ज़्यादा है, टच करने पे प्रॉब्लम हो रही है, दर्द हो रहा है, जरा से कपड़े का टच बियर नहीं कर पा रहा है, तो ये जो है हीपर सल्फ और एपिस मेलिफिका ये दो मेडिसिन चलाना चाहिए। तो इस तरीके से ये तीन मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है, और सिम्टम वाइज बहुत सी मेडिसिन है, लेकिन ये तीन मेडिसिन ठीक बहुत बेस्ट है। अब आइए देखते हैं इसके केस में प्रिवेंशन कैसे करें, वेलेनाइटिस के केस में बचाव कैसे करें, यानी रोकथाम
पहले से कैसे केयरफुल रहे कि जो है प्रॉब्लम ना होने पाए। तो प्रिवेंशन में हम देखते हैं कि जो है प्रॉपर हाइजीन करें, यानी पेनिस के पार्ट का प्रॉपर हाइजीन करें, खास करके जो अनसर्कमसाइज्ड मेन होते हैं यानी जिसपे खतना नहीं रहता है उनको जो है हाइजीन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। गर्म पानी से यानी वार्म वाटर से उसको अक्सर जो है वॉश किया करें, सफाई रखें, तो सफाई रखने से हाइजीन रखने से ये प्रॉब्लम नहीं होने होती है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें और भी लोगों को शेयर करें जिससे एक दूसरे को जानकारी हो सके। और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करते और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके।